पतंजलि गोनाइल पवित्र गौमूत्र अर्क एवं एंटीबैक्टीरियल जड़ी बूटियों से निर्मित। बांग्लादेश के हालात पर सभी दलों की बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी भारत के रुख की जानकारी। कहा शेख हसीना पर अभी फैसला नहीं, हालात पर पूरी तरह से नजर। विपक्ष ने कहा हम सरकार के साथ। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद देश छोड़ने वाली शेख हसीना को राजनीतिक शरण के लिए मंजूरी का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक दूसरे देश में मंजूरी तक भारत में रहेंगी। बांग्लादेश की पूर्व पीएम, भारत छोड़ने वाला विमान वापस बांग्लादेश लौटा। बांग्लादेश में हिंसा के दौरान हिंदुओं को बनाया जा रहा है निशाना। 27 जिलों में हिंदुओं के घर और दुकानों में हमला, मंदिरों में हमले और मूर्तियों को खंडित करने के वीडियो भी सामने आए। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस बन सकते हैं बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री। न्यूज 18 से बातचीत में बांग्लादेश जल्द लौटने की कही बात। जेल में बंद खालिदा जिया की रिहाई के दिए गए आदेश। बांग्लादेश में प्रदर्शन और हिंसा के बाद बदल रहे हैं हालात। स्कूल कॉलेज कोर्ट के साथ खुल रहे हैं दफ्तर। सेना की हालात पर पूरी पैनी नजर। बांग्लादेश से लगी सीमाओं पर सुरक्षा बल की कड़ी नजर। बंगाल से लेकर असम सीमा पर बढ़ाई गई चौकसी। बीएसएफ के डीजी बंगाल के पेट्रो पॉल पहुंचे। बांग्लादेश में तख्ता पलट के पीछे आईएसआई का हाथ होने का शक। सूत्रों का दावा 6 महीने पहले बांग्लादेश की सेना के साथ मिलकर रची गई साजिश। बाहरी देशों से मिल रहा था तख्ता पलट करने के लिए फंड। सोमवार की बड़ी गिरावट के बाद आज बढ़त के साथ खुला शेयर बाजार। सेंसेक्स में 500 अंकों की उछाल, निफ्टी भी संभला। पेरिस ओलंपिक्स में आज हॉकी सेमीफाइनल में भारत का जर्मनी से मुकाबला। जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा भी अपने अभियान का करेंगे आगाज।